सुप्रभात। स्वतंत्रता व संप्रभुता के इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस अवसर पर कक्षा 5 के बच्चों द्वारा देश के विकास की एक शरीर गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस बात से तो हम सभी अवगत हैं कि इस दिन अर्थात 26 जनवरी सन 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ था और देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। मगर क्या आप जानते हैं कि इस संविधान का ताना बाना बुनने वाले कौन थे? हाँ, आपने ठीक समझा, वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। उन्होंने अपनी टीम के साथ लगभग 3 वर्षों में भारत का संवैधानिक ढांचा तैयार किया था। फिर एक नए भारत का सृजन हुआ, एक नए सूरज का जन्म हुआ, विज्ञान का सूरज। देश में वैज्ञानिक क्रांति आई और इस क्रांति के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे देश के अनेक वैज्ञानिकों में अपना विश्वास व्यक्त किया और परिणाम स्वरूप देश आज विज्ञान के क्षेत्र में नए नए झंडे गाड़ रहा है। कृषि के जिक्र के बिना तो देश की विकास गाथा अधूरी है। गांधी जी का कथन है, देश की आत्मा गांव में बसती है और आत्मा की पूर्णता तो कृषि की संपूर्णता से ही होती है। एमएस स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों से आज हमारा देश आधुनिक कृषि संसाधनों से परिपूर्ण है और विश्व का अन्नदाता कहलाता है। शिक्षा, ये क्षेत्र में अछूता नहीं रहा और भारत के संविधान ने शिक्षा के मूलभूत अधिकार का शस्त्र हर नागरिक को दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे अनेक शिक्षाविदों ने विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करके देश में ज्ञान की एक अमर ज्योति प्रज्वलित की, जो आज भी चिरंतन हो रही है। इस तरह स्वतंत्रता के 75 सालों में सफलता के नित नए सोपानों पर चढ़ते हुए देश ने उद्योग जगत में अपना परचम फहराया और जमशेद जी टाटा, धीरूभाई अंबानी जैसे उद्योगपतियों के नेतृत्व में विश्व पटल पर छा गया और खेल, शिक्षा, विज्ञान, अर्थ आदि सभी क्षेत्रों में नई नई कीर्तिमान स्थापित करता गया। हम ऋणी हैं उन महान विभूतियों के जो हमारी उंगली पकड़कर हमें सफलता की ऊंची नीची डगर पर चलना सिखा गए। वे सदैव हमारे प्रेरणा पुंज रहेंगे। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन्हें शत शत नमन। जय हिंद।